बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स की बुक में से, ये मेरे पास टेंथ की बुक है, सिंथेटिक की बुक, और इसमें जो है ये चैप्टर नंबर 10 है। 10 चैप्टर नंबर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और इसमें जो टॉपिक है वो हुक्स लॉ हम कवर करेंगे। तो आए देखते हैं, समझते हैं हुक्स लॉ के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में। ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको बताता हूँ हुक्स लॉ के बारे में। अच्छा, ये डायग्राम है, ये हुक है, ठीक है, और ये है हुक्स लॉ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस हुक के बारे में कोई बात की गई है और फिर उसका नाम हुक्स लॉ दे दिया गया है, तो ये आप गलत समझ रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक्स। उसने एक थ्योरी जो है वो ईजाद की और फिर उस थ्योरी को नाम दे दिया, अपने नाम से मुंसलिक कर दिया और उसका नाम रख दिया हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या है, रॉबर्ट हुक्स ने जो है वो हुक्स लॉ को डिस्क्राइब किया। अब इस डिस्क्राइब में क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स फॉर व्हाट, दिस इज अ एक्सटेंशन, ठीक है, ये है फोर्स और ये है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन या आप इसको डिस्टेंस, ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्जर्व ये करना है कि आप अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स लगा रहे हो और जो एक्सटेंशन है वो कितना हुआ। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, आप F इक्वल टू लगा देते हो और आपको एक K मिलता है जो कांस्टेंट होता है और ये आपके पास X आ जाता है। इसको कहते हैं, ये K जो होता है क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब मैं, ये तो हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया हमारे पास हुक्स लॉ। अब हम जो है स्प्रिंग की मदद से इस हुक्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैं इसको पहले रिमूव कर दूं यहाँ से। अब हम फोर्स जो लगाएंगे, हमने यहाँ पे मास लिया कितना, 1 kg, ठीक है, 1 kg। अब वेट का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एम जी। अब ये W इक्वल टू 1 और G की वैल्यू क्या है, 9.8, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, तो ये W आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन। अब यहाँ पे मैंने ये स्प्रिंग मैं बना रहा हूँ एक, और इस पर मैंने, ये इनिशियल है, ठीक है। अब इस पर मैं कुछ लोड अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 10 न्यूटन में इस पर फोर्स जब अप्लाई करूँगा तो ये कुछ क्या होगा, इसने डिस्टेंस एक्सटेंशन एक्सटेंड होके ये यहाँ पे आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से इसने कुछ ये एक्सटेंड एक्स एक्सटेंशन होके यहाँ पे आया, तो ये क्या है, इसने कुछ फासला यहाँ से तय किया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये है x, x कितना है, हम मान लेते हैं x इसने 2 mm कवर किया। अच्छा, अब इसने x 2 mm कवर किया तो हम यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। f हमने कितना दिया, 10, और k हमारे पास, और x क्या है, 2, तो हमें फाइनली k क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट 5, ठीक है जी। अब देखें, ये मेरे पास, इसको मैं
ये मैं इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये मेरे पास स्प्रिंग है, यहाँ पे ये स्केल है और ये नोब की मदद से हमें पता चलेगा कि फासला। अब ये स्प्रिंग क्या होगा, अगर मैं फोर से इस पर मैं वेट यहाँ पे इसके ऊपर वेट हैंग करता हूँ, वेट देता हूँ, तो ये मैंने कोई भी वेट दिया और ये वेट मैंने 10 न्यूटन दे दिया। अब ये 10 न्यूटन के बाद यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस स्प्रिंग ने, ये यहाँ से एक्सटेंशन होगा, यहाँ से खींचेगा और ये यहाँ से लेके कोई डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके, पहले यहाँ पे था फिर फोर्थ अप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया, हम मान लेते हैं इसने कितना कवर किया यहाँ से, एक्स 2 मिलीमीटर इसने कवर किया, एक्स क्या आ गया 2 मिलीमीटर। अब ये यहाँ से लोड इसने 2 मिलीमीटर यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब होता क्या है देखें, ये फोर्स है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है। अब मैंने सबसे पहले कितना यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया था, 10 न्यूटन, तो इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया, जैसे 2 मिलीमीटर किया तो फोर्स से हम यहाँ पे ये लगा देते हैं कोई ना कोई डिस्टेंस ने कवर किया। फिर हमने क्या 20 न्यूटन का लोड अप्लाई किया, फिर इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर 30 न्यूटन का, फिर इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। हम इन लाइनों को आपस में मिला देते हैं और ये क्या हो गया, ये लाइन बन गई, ठीक है जी। अब ये हम तब तक करते रहेंगे क्योंकि हुक्स लॉ तब तक वैलिड होगा, ये इलास्टिक लिमिट, अगर यहाँ से आप इसको यहाँ पे फोर्स लगाएं और ये स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हुआ, एक्सटेंड हुआ, ठीक है, एक्सटेंड होने के बाद आप इसको छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए, आप लोड लगाएं ये एक्सटेंड हो, आप छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, लोड लगाएं आप छोड़ें ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, लोड लगाएं आप छोड़ें ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता रहेगा तो क्या होगा, आपका हुक्स लॉ वैलिड होगा। तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन पे आना, इसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, हुक्स लॉ वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। ये जो हम उसको फोर्स लगाते हैं और फिर उसको फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो जब तक वो अपनी, यानी ये क्या है, इसकी इलास्टिक लिमिट है, तो जब तक वो अपनी अप टू इलास्टिक लिमिट तक होगा तो हमारा हुक्स लॉ वैलिड होगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे देखें, ये हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर दोबारा फोर्स अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर फोर्स अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो इससे हमें क्या पता चलता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यही हमारा हुक्स लॉ है, यही जो है वो रॉबर्ट हुक्स ने डिस्क्राइब किया और उसका नाम रख दिया हुक्स लॉ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।